हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी सिस्टर की शादी है और बहुत सारे वेडिंग के व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। ये जो है लव मैरिज है, लड़के वाले जो है वो पंजाबी है और हम लोग हैं पहाड़ी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेडिंग के जो कल्चर रिचुअल है वो सब बहुत अच्छे से, मतलब मैं सब कैप्चर करने वाली हूँ, तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपने कमिंग व्लॉग्स में, तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। गुड्डू भी जा रहा है। हेलो, हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोलो निकू चैनल, हम शॉपिंग जा रहे हैं। दिखाओ कितना अच्छा लगता है आपको बॉल। अच्छा लगता है बॉल। अब बोलो ये करो, ये करो। नहीं करोगे? नहीं। क्यों? नहीं करोगे जस्ट अभी घर पहुंचे हैं और आज का अपडेट ये है कि हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है। घर के जेंट्स की शॉपिंग हो गई है, कुर्ते वगैरह खरीदे हैं। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेशन अप होने के बाद। अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम लोगों ने कुर्ते लिए हैं, हल्दी के लिए, मेहंदी के लिए, शादी के लिए, पापा के लिए अलग से हमने कुर्ता परचेज किया है क्योंकि हमारे में कोट पैंट वगैरह नहीं पहना जाता, कुर्ता पजामा पहना जाता है। और अभी हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग और करनी है, उसके लिए हम सैटरडे संडे जाएंगे या फिर किसी दिन शाम के टाइम पे। डुबू के और भाई के कपड़े नहीं आए हैं तो उसके लिए हम लोगों को जाना है DLF या फिर GIP, देखते हैं। क्राउन इंटीरियर में इतने अच्छे ऑप्शन नहीं मिले मुझे, फ्रेंकली स्पीकिंग फर्स्ट क्राई है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैरिज मटेरियल जैसे शादी में पहनने वाले कपड़े तो मुझे कुछ खास नहीं लगे, तो इसलिए हम लोग जाएंगे DLF। वहाँ पे मुझे ऑनलाइन सर्च करने पे काफी अच्छे ऑप्शन मिले हैं तो मैं वो जरूर जाके चेक करूंगी। तो इसको आप शादी में पहनोगे ना? ओके गाइस, सो डुगू आप हटोगे, मैं जल्दी से कुर्ता दिखा दूं। सो गाइस, ये है फर्स्ट कुर्ता, ये हमने मान्यवर से लिया है डुगू के लिए, हल्दी के लिए, येलो कलर का। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गले पे और थोड़ा सा यहाँ पर आपको थ्रेड वर्क दे रखा है, बहुत सुंदर सा। इसका जो प्राइस है वो है 1200 रुपीज। सो ये है सेकंड कुर्ता और ये भी मान्यवर से है, मस्टर्ड कलर का कुर्ता है। इसमें भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा नेक पे काम हो रखा है थ्रेड वर्क और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा थ्रेड वर्क है ऑल ओवर इस कुर्ते में। ये एकदम पैक है तो मैं इसलिए इसको ओपन नहीं कर रही हूँ, आने वाले कमिंग ब्लॉग में आप हल्दी की वीडियोस में भी देख पाएंगे। सो ये कुर्ता जो है 1500 से 2000 की रेंज में आता है। सो ये है थर्ड कुर्ता, ये भी मान्यवर से ही लिया है हमने और इसमें मैं इसको पास से दिखाती हूँ, ये इस तरीके का वर्क हो रखा है इसमें। अगेन आपको बहुत ही सुंदर सा वर्क यहाँ नेक पे और यहाँ मिल रहा है। सो
सो ये जो कपड़ा है ये बहुत ही अच्छा है और ये आई थिंक 3999 यानी कि पूरे 4000 का कुर्ता है। इसके साथ इसका ये पजामा है क्रीम कलर में। गाइस ये है नेक्स्ट कुर्ता। जितने भी कुर्ते लिए हैं हमने मान्यवर से ही लिए हैं, क्योंकि एक तो ट्रस्टेड ब्रांड है, दूसरी बात इसका जो स्टफ है वो बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इससे पहले भी काफ़ी सारे कुर्ते हमने लिए हैं और उनका कपड़ा बहुत अच्छा निकला है, इसीलिए हम लोग कुर्ते वगैरह के लिए मान्यवर ही प्रेफर करते हैं। तो ये कुर्ता भी हमारा मान्यवर से है, बहुत ही प्यारा सी ग्रीन कलर है जिसमें आपके यहाँ पे सीक्वेंस वर्क हो रखा है गोल्डन कलर का, डॉट डॉट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी थ्रेड वर्क हो रखी है पूरे गले में और यहाँ पे सामने फ्रंट में, और सीक्वेंस वर्क हो रखा है ऑल ओवर द कुर्ता। और इसका जो प्राइस है वो है 3000 रुपीज़। इसमें जो आपको पजामा मिल रहा है वो है क्रीम कलर का, क्वालिटी बहुत अच्छी है कपड़े की। सो जितने भी कुर्ते हैं मान्यवर के हमने क्योंकि पहले भी बाय किए हुए हैं, आप इन कुर्तों को घर पे वॉश ना करें, आप यूज़ करके इन्हें ड्राई क्लीन ही करवाएं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है ड्राई क्लीन ओनली, क्योंकि महंगे रहते हैं कुर्ते तो आप इनको घर पे वॉश ना करें, बाहर ही ड्राई क्लीन करवाएं। तो एक तो ये होता है कपड़ा बहुत ज़्यादा चलता है, क्वालिटी मेंटेन रहती है। सो ये है नेक्स्ट कुर्ता पापा का, मस्टर्ड कलर का, और ये आई थिंक 2000 कुछ का है, और इसमें आपको अगेन नेक पे और यहाँ पे गले पे आपको काफ़ी अच्छा काम मिल रहा है। जितने भी मान्यवर के कुर्ते हैं स्पेशली जो वर्क है वो यहाँ पे और आपको इधर नेक पे दिया हुआ है, जो कि पूरी की पूरी कुर्ते को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। और इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा है और ये प्योर कॉटन में है। उसके साथ जो पजामा है वो भी अगेन वाइट कलर का है। तो ये कुर्ता है पापा का जो पापा शादी में पहनने वाले हैं, और इसमें भी आप देख रहे हैं इसका जो कॉलर है उसमें इतना सुंदर वर्क हो रखा है, अगेन आपको यहाँ पे बटन दे रखे हैं जहाँ पे क्वालिटी जो देख रहे हो आप काम की बहुत अच्छी है, बहुत ही बारीक जिसे बोलते हैं वो थ्रेड वर्क हो रखा है यहाँ पे, और बटन की क्वालिटी भी जो है काफ़ी अच्छी है। दोनों ही कुर्तों का जो कलर है वो सेम सा ही है, बस इसमें जो है सीक्वेंस वर्क हो रखा है थोड़ा थोड़ा, और इसमें थ्रेड वर्क का काम है। इसमें जो है बटन्स वगैरह बने हुए हैं कॉलर बोन पे, और यहाँ पे ये सिंपल है। प्राइस इन दोनों का ही सेम है, ये दोनों ही हमको 3000 के पड़े हैं। गाइस सो आज की शॉपिंग जितनी भी थी मैंने आपको दिखा दी है, और आप मेरे ब्लॉग के साथ इस तरह जुड़े रहिए, जल्दी ही बहुत सारे ब्लॉग्स लेके मैं आने वाली हूँ, ये ब्लॉग्स कंटिन्यूशन में रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलती हूँ जल्दी आपको, बाय।